हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप जहाँ पे भी हैं सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सो आज हम इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉरेस्ट, कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इन अवर स्टेट, और हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, कौन सी रिसेंट स्कीम्स आ रही हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, कौन सी ऐसी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं जो कि फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं, सो वो हम कम समय में जो है वो कवर करने की कोशिश करें। इससे पहले के पार्ट में हम कवर कर चुके हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हॉर्टिकल्चर दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, ये सब हम जो है वो पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। आई होप कि जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है वो आपने अच्छे से नोट किया होगा। और ये सब के सब जो है वो पार्ट चैप्टर 7 के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 7 है उसी के अंदर जो है ये सब चीज़ें जो आती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम नए टॉपिक के साथ, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो में जिनका हमें जो है ध्यान रखना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम फॉरेस्ट की बात करते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट के अंडर कितना आता है। हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है उस एरिया का कितना परसेंटेज या कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। सो दैट इज 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इतना एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर आता है हिमाचल प्रदेश का, और परसेंटेज की बात करते हैं तो 68.16%। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। और स्टेट की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से, उनको अचीव करने के लिए जो है लगातार जो है सरकार जो है प्रयास कर रही है। और हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो प्रेजेंट का जो है 27.72% से जो है 30% तक जो है वो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेगा हिमाचल प्रदेश बाई 2030, ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है। अपने इनका भी ध्यान रखना है। अगर हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात करते हैं, कुछ ये अदर फैक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम हिमाचल, तो ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इस तरह से ये टॉप 5 हैं जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करते हैं इंडिया। और अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, तो देखिए मिजोरम आता है, ये भी क्वेश्चन अच्छे से पूछा जा चुका है। तो मिजोरम सो ये इंपॉर्टेंट है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ साथ में मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे सभी सभी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में टोटल जोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज की बात करते हैं तो ये सबसे जो है टॉप पर आते हैं। सो सारे सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट जो भी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी है, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि फॉरेस्ट हमें देते हैं और जिनको मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन, वाटरशेड सर्विसेज हैं, सॉइल कंजर्वेशन है, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल वैल्यूज हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलते हैं फॉर द कम्युनिटीज, हाई कंजर्वेशन वैल्यूज़, तो ये सारे के सारे जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज में आता है जो कि फॉरेस्ट हमें देता है। तो इन सबको मेंटेन करना, साथ में लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने इन सब का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आप जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई जा रही है इन सब पार्ट को कंजर्व करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉरेस्ट वेल्थ, पहले तो यू शुड नो कि हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट वेल्थ कितनी, तो वो है 1.50 लाख करोड़, 1.50 लाख करोड़। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है एग्जामिनेशन में। और अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने लॉबी किया है स्टेट को फॉर सिल्वी कल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ थ्री स्पीसीज, और इसमें जो है खैर है, चील है, साल, ये भी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसको किया गया है। और इसमें जो है वो नोटपुर फॉरेस्ट डिवीजन, भराड़ी रेंज ऑफ बिलासपुर और पाउंटा रेंज जो है पाउंटा फॉरेस्ट डिवीजन की जो है इसमें रेंजेस को इंक्लूड किया गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और एक और स्कीम है, दैट इज़ फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। अब स्कीम को भी रिसेंटली लॉन्च किया है, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से फॉरेस्ट में आग लग जाती है और बहुत सा फ्लोरा फौना, टिम्बर, बहुत ही फॉरेस्ट वेल्थ का नुकसान होता है, तो उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्कीम लाई गई है। और स्कीम के अंडर जो है वो बहुत ही वेरियस एक्टिविटीज़ जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक मेंटेनेंस ऑफ 2500 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग एग्जिस्टिंग फायर लाइन्स, क्रिएशन ऑफ न्यू फायर लाइन्स, एंगेजमेंट ऑफ फायर वॉचर्स, कंट्रोल बर्निंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स इन हाई रिस्क एरियाज, तो ये सब जो है स्कीम के अंदर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। ये सब फैसिलिटीज और ये पार्ट्स जो हैं, एक्टिविटीज जो हैं, प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस स्कीम।
जी अपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नई स्कीम्स, कुछ और भी स्कीम्स हैं जो कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, लोगों को जागरूक करना है, लोगों की जो है हिस्सेदारी हो प्लांटेशन में और फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, उनके लिए जो है स्कीम्स जो है लाई गई है। तो पहली स्कीम आपने ध्यान रखना है सामुदायिक वन संवर्धन योजना, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी, सो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को इसमें मेन इसमें इंश्योर करना है कि लोगों जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो जो है वो उसमें मेनली इंश्योर करना है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो प्लांटेशन के थ्रू की जाएगी, साथ साथ में क्वालिटी फॉरेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और साथ साथ में फॉरेस्ट कवर एरिया भी इम्प्रूव करना है। तो मेनली सामुदायिक वन संवर्धन योजना ये स्कीम जो है लाई गई है। उसके बाद विद्यार्थी वन मित्र योजना है, ये भी जो है वो स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है, और मेनली यहाँ पे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं बच्चों को जो है इंपॉर्टेंस बताई जाए प्लांटेशन की, जो है जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो बच्चों को इंश्योर करना है। और स्कीम के अंदर जो है वो इस बजट अभी रिसेंट बजट में जो प्रोविजन रखा गया 1.75 करोड़ का, और अभी 2020-21 की हम बात करते हैं तो 110 नए स्कूलों को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है, जिन बच्चों को जो है वो ट्रेन किया जाएगा एक तरह से, अब जो है वो उनको अवेयर किया जाएगा कि प्लांटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट वेल्थ क्या होती है, व्हाट आर द इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में उन लोग बच्चों को जागरूक किया जाएगा। सो विद्यार्थी वन मित्र योजना का आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, मतलब वन समृद्ध होंगे तो जन समृद्ध होगा, मतलब वन समृद्धि इफ फॉरेस्ट अगर हमारे अच्छे रहेंगे तो लोगों को भी जो है वो इसमें फायदा होगा। तो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना इसमें मेनली जो है स्कीम के अंदर जो है वो जो स्ट्रेंथन करना है पार्ट दैट इज एनटीएफ रिसोर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए एनटीएफ रिसोर्स क्या होता है, हम आगे थोड़ा बात करते हैं। तो एनटीएफ रिसोर्स को जो है वो मेनली स्ट्रेंथन करना है स्कीम के अंदर थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, और इनिशियली स्कीम को जो है वो 7 जिलों में जो है वो किया गया है इम्प्लीमेंट, ये अपने ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, चंबा कुल्लू मंडी शिमला सिरमौर किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, और ये जो भी है वो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी रिच जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए अदर देन टिम्बर जो भी टिम्बर से अलावा जो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड नट्स वेजिटेबल फिश मेडिसिनल प्लांट्स रेसिन्स सब के सब जो है वो बैम्बूस एंड अदर्स पाम्स एंड ग्रासेस जो फाइबर के लिए हेल्पफुल रहता है, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्या है एन टी एफ के रिसोर्स हैं अदर देन टिम्बर जो कि फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इसको स्ट्रेंथन करना है स्किन के अंदर, सो यू शुड नो अबाउट दैट, जो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं एक बूटा बेटी के नाम, इसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक बूटा बेटी के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली जो है वो लोगों को सेंसिटाइज करना है द इंपॉर्टेंस ऑफ रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डॉटर्स एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब दोनों को इसमें मेनली टारगेट किया जा रहा है कि डॉटर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक उसी पार्ट को टारगेट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है एक बूटा बेटी के नाम, जहाँ जहाँ पे बेटियाँ पैदा होती हैं वहाँ पे जो है पेरेंट्स को जो है वो पौधे दिए जाते हैं प्लांट करने के लिए, और एक किट प्रोवाइड की जाती है, इसमें मैनुअल होता है और कुछ अदर कुछ चीज़ें होती हैं, सो अगर कोई प्लांट खराब भी हो जाता है नहीं अच्छे से जो है ग्रो करता है तो उसको भी रिप्लेस करने का प्रावधान जो स्कीम के अंदर है। तो अभी तक जो है वो अगर नवंबर 2020 तक की बात करते हैं तो ऐसे जो है 13,389 न्यू बॉर्न गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स को जो है वो अभी प्लांट्स और किट जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है, तो एक बूटा बेटी का नाम ये अपने ध्यान रखना है। और उसके बाद है पर्वत धारा, ये भी है, अब आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जो विलेजर्स होते थे वो जो एक कॉमन सोर्स हुआ करता पानी का जहाँ से पानी लेके आया करते थे, और अब आप देखेंगे तो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और क्योंकि घरों घरों तक जो है वो अभी पानी जो है वो आता है नलके लगे हुए हैं, तो लेकिन जो पुराने जो सोर्सेज होते हैं उनकी भी एक इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, तो उन जितने भी एक्सटेंट और जो डिप्लीटेड वाटर सोर्सेज हैं उनको रेजुवेनेट करने के लिए एक सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लाई गई है दैट इज पर्वत धारा। सो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो हमारी जो हमारा जो पुराना कल्चर हुआ करता था ये पुरानी चीज़ें हुआ करती थी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हुआ करते थे उनको भी मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो पर्वत धारा स्कीम जो है वो मेनली जो है वो लाई गई है, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा जल शक्ति डिपार्टमेंट, ये आपने ध्यान रखना है, और साथ साथ में फॉरेस्ट एरिया में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस स्कीम को जो है इंप्लीमेंट करेगा पर्वत, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे चलते हैं कुछ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में एचएस में, और ये इस स्कीम की मैं बात करता हूँ तो एचएस 2017 में आई थिंक इसके बारे में पूछा गया और मेंस में भी पूछा गया है, इवन मेंस में भी जो है इसके बारे में पूछा गया है स्कीम के बारे में, तो आपने ध्यान रखना है पहली स्कीम है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेनली फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है स्कीम के अंदर, इस स्कीम को
इस प्रोजेक्ट को मेनली जो असिस्टेंस मिल रही है वो मिल रही है KfW बैंक ऑफ जर्मनी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और इस स्कीम को हालांकि 7 सालों के लिए जो है वो सरकार आ रही है, ये प्रोजेक्ट 7 सालों के लिए इम्प्लीमेंट होगा। और चंबा और कांगड़ा जो है मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। मेन दो मुख्य जिलों में मेनली इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। 2015-16 में उनका स्कीम आई थी या ये प्रोजेक्ट आया था, जिसका हम ध्यान रखना है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हुई 308 करोड़ जो है बताई जा रही है, इतनी प्राइस प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और फंडिंग पैटर्न जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 85.10% जो है वो लोन जो है वो जो प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक से, और साथ अपने 14.90% जो है वो स्टेट का शेयर है। तो ये फैक्ट है, क्योंकि आपने ध्यान रखना है मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, देखिए इस रिहेबिलिटेशन प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन हिमाचल प्रदेश एंड टू इंक्रीज दी सिक्योर रेजिलेंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो इस स्कीम का आपने मेनली ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट KfW असिस्टेंट। सो आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सब मिलते जुलते प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पे मेनली इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट जो यहाँ पे मेनली कीवर्ड है, एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 8 सालों के लिए लाया जा रहा है और इसकी कॉस्ट जो है 800 करोड़ है। और इसको मेनली असिस्टेंस जो मिल रही है वो मिल रही है JIC से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबके सब आप अच्छे से नोट कर लेंगे इस पार्ट को। और इसका जो फंडिंग पैटर्न है दैट इज 80-20, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति इन जिलों में, और ट्राइबल एरियाज ऑफ पांगी एंड भरमौर। मेन इसका हेडक्वार्टर जो है कुल्लू में रहेगा, कुल्लू के शामसी में रहेगा, और रीजनल ऑफिस जो है रामपुर में रहेगा। तो इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर स्कीम का जो है ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक एडेड इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट रेनफेड एग्रीकल्चर। ये भी कुछ अलग से हटके नाम है, ध्यान रखते हैं मेनली इसमें क्लाइमेट रेजिलेंट की बात हो रही है और सस्टेनेबल जो है यूज ऑफ आप ये कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। सो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आपने ध्यान रखना है कि इस प्रोजेक्ट जो है वो 7 सालों के लिए जो मेनली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फंडिंग पैटर्न 80-20 का रहेगा, और अभी तक जो है इस प्रोजेक्ट को जो है मेनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा 900 ग्राम पंचायत इन शिवालिक के मिड हिल एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस वाटर शेड इंडस्ट्री। सो मेनली जो है इस की ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रहेगा फॉर द कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ अराउंड 2 लाख हेक्टेयर नॉन एरेबल एंड 20,000 हेक्टेयर अरेबल लैंड्स। तो इनकी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की जाएगी और एंड फॉर द एनहांसमेंट ऑफ वाटर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट इन दी प्रोजेक्ट एरिया। इन सब चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है इस स्कीम के अंदर, द क्लाइमेट रेजिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर। तो अपने इसका ध्यान रखना है। और इसको कौन जो है असिस्ट कर रहा है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अरेबल लैंड क्या होता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। अरेबल लैंड इज लैंड इज एनी लैंड दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग प्लॉट एंड यूज टू ग्रो द क्रॉप्स। वो अरेबल होते हैं और इसके अपोजिट जो है नॉन अरेबल होते हैं। वर्ल्ड बैंक की थोड़ा सा स्टडी फैक्ट देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग द कैपिटल प्रोजेक्ट्स। एंड इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, आपको पता होगा, आपने इसका ध्यान रखना है। एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन July 1944, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फाउंडर्स हैं जॉन माइनार्ड कैनीस है, हैरी डेक्सटर। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये रिस्क प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, लेकिन आपने थोड़ा इन पार्ट्स का ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक से। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में देखिए अगर टिम्बर प्रोविजनिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो 0.31% स्टेट GDP में शेयर करता है। और अगर हम बात करते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट NTFP की बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि NTFP क्या होता है, तो NTFP प्रोविजनिंग सर्विसेज जो है इज 0.27% ऑफ स्टेट GDP। एंड कार्बन रिटेंशन सर्विसेज की बात करते हैं, सो दैट इज ऑब्टेन यूजिंग अ सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन अप्रोच ड्यूरिंग द ईयर 1780 इज इक्वल टू 11.14% पर स्टेट GDP। तो इनफैक्ट इसका भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, इतने फैक्ट्स के बारे में मेनली यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे, और सभी के सभी फैक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपने सबका ध्यान रखना है, और किसी तरह का डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आने वाले पार्ट्स में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।